हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ फेज डायग्राम ऑफ सॉइल के बारे में, जो सॉइल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फेज डायग्राम ऑफ सॉइल की बात करने से पहले हम सॉइल के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इस पिक्चर में आप सॉलिड पार्टिकल्स देख पा रहे हैं जो कि अलग अलग शेप एंड साइज के हैं। इसमें कुछ आपको वॉइड्स भी दिख रहे हैं अलग अलग साइज में। ये देखिए, कुछ माइनर है, कुछ लार्ज साइज के वॉइड्स है। तो ये जो वॉइड्स है किसके कारण भरे जाते हैं? वाटर या एयर के कारण। तो बेसिकली अगर सॉइल की बात करें तो सॉइल तीन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, सॉलिड कंपोनेंट, एक वाटर कंपोनेंट, एक एयर कंपोनेंट। तो फेज डायग्राम की अब बात करते हैं तो फेज डायग्राम वो डायग्राम है जो सॉइल के कंपोनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, उसे ही हम फेज डायग्राम ऑफ सॉइल कहते हैं। और ये दो टाइप्स के होते हैं। फेज डायग्राम प्रैक्टिकल सिचुएशन में सॉइल मास की स्टडी करना या एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसीलिए फेज डायग्राम की हेल्प से ही हम इजी वे में इस सॉइल की स्टडी कर सकते हैं। इस फेज डायग्राम को तीन लेयर में डिवाइड किया जाता है, सॉलिड, वाटर और एयर। इसीलिए इसे थ्री फेज डायग्राम भी कहा जाता है। लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे होंगे वॉल्यूम्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी लिखी गई है, राइट हैंड साइड में वेट से रिलेटेड टर्म्स लिखी गई है। तो अब बात करते हैं वॉल्यूम्स रिलेटेड टर्म्स की। तो टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं अपन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल जिसको रिप्रेजेंट किया हुआ है बी से, उसको अपन लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को अगर अपन ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल आ जाएगा। इसी तरह से सॉइल सैंपल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे तो वी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉइड्स प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपने को पता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड सॉइल में वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर के कारण होते हैं। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड में वेट की टर्मिनोलॉजी के साथ। डब्ल्यू रिप्रेजेंट टोटल वेट ऑफ द सॉइल सैंपल, डब्ल्यू ए इज वेट ऑफ एयर, डब्ल्यू डब्ल्यू इज वेट ऑफ द वाटर, डब्ल्यू एस इज द वेट ऑफ द सॉलिड। इन प्रैक्टिकल द वाटर ऑफ एयर इज अप्रॉक्स जीरो, सो दिस टर्म इज नेग्लेक्टेड। डब्ल्यू ए इज इक्वल टू जीरो, सो W is represented, यानी total weight of soil sample is represented by weight of the water plus weight of the solid. This is all about the three phase diagram. Now, two phase diagram. इस phase diagram में आप देख सकते हैं जो soil को दो component में divide कर रखा है, एक solid component और दूसरा water component. इसमें एयर कंपोनेंट को रिमूव कर दिया गया है, यानी कि सॉइल का जो एयर फेस है उसको रिमूव कर दिया गया है। इसमें सिर्फ टू फेस दिखाई देंगे, सॉलिड और वाटर। इसी तरह से अगर हम बात करें इसकी वॉल्यूम से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी की, तो लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी है और राइट साइड में वेट की टर्मिनोलॉजी है। तो इसमें आप देख सकते हैं टोटल वॉल्यूम होगा, टोटल वॉल्यूम किस कारण से होगा? वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के कारण। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखने की कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पहले वाले थ्री फेज के केस में क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। बट इन दिस केस, इस केस में पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, ये जो कंडीशन आप देख पा रहे हैं ये पार्शली सैचुरेटेड सॉइल की कंडीशन है। अगर टोटल वेट की बात करें तो टोटल वेट आपका दे रखा है वेट ऑफ द वाटर प्लस वेट ऑफ सॉलिड। ये आपका थ्री फेज डायग्राम जैसा ही रहेगा वेट, ठीक है, क्योंकि वेट ऑफ एयर इज नेग्लिजिबल होता है और इसमें तो वैसे भी एयर फेज रिमूव है, एयर फेज इसमें प्रेजेंट है। इस टू फेज डायग्राम में आप देखेंगे इसमें वाटर फेज कम्प्लीटली रिमूव कर रखा है, यानी सॉइल जो बनी है दो कंपोनेंट से मिलकर बनी है, सॉलिड कंपोनेंट और दूसरा एयर कंपोनेंट। लेफ्ट हैंड साइड में वॉल्यूम की टर्मिनोलॉजी देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड में वेट की टर्मिनोलॉजी देख पा रहे हैं। अगर टोटल वॉल्यूम की बात करें तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखें। दूसरा अगर वेट की बात करें तो वेट, अगर टोटल वेट ऑफ सॉइल सैंपल की बात करें तो वो इसके बराबर होगा वेट ऑफ सॉलिड। ये तो कंडीशन है ड्राई कंडीशन है, यानी कि ड्राई सॉइल वाली कंडीशन में मॉइस्चर को कम्प्लीट रिमूव कर दिया गया है, मॉइस्चर कम्प्लीटली रिमूव है।
So thanks for watching this video. Have a nice day.